तो चलो आज बनाते हैं डिफरेंट सा केक, और वो भी डिफरेंट तरीके से। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 ग्लास, और उसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 कप मैदा, और अब हमें लेना है 1/4 कप कोको पाउडर, और अब हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड पिंच ऑफ सॉल्ट। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून कॉफी पाउडर। अगर आपको कॉफी पाउडर स्किप करना है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन कॉफी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगेगा। और अब एक छलनी लेनी है और उसको ग्लास के ऊपर रख देना है, और उसको ऐसे उल्टा करके एक बोल के अंदर हम छान लेंगे। ये हैक मैंने कहीं पे देखा था तो मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन मुझे ये हैक बहुत ही पसंद आया, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानती हूँ तो ये इधर उधर बहुत उड़ते रहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से ये बिल्कुल भी नहीं उड़ा है और ये हैक पास हो गया है। और अब मैंने लिया है बटर, यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच जितना मेल्टेड बटर लिया है, और 3 से 4 चम्मच शुगर लिया है, और उसको मिक्स किया है। और अब थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मुझे 1 कप जितना दूध लगा है ये बैटर रेडी करने में। तो ये देखिए हमारा केक का बैटर एकदम रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे लिया है चॉकलेट, आप कोई सा भी चॉकलेट ले सकते हो, मैंने यहाँ पे डेयरी मिल्क लिया है, और इसको मैंने पीसेस में कट करके उसको इसके बीच में रख दिया है। तो ऐसे उसके अंदर उसको रख देना है। और अब लास्ट में मैंने इसके ऊपर डाले हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट, यहाँ पे मैंने आलमंड लिया है, और अब इसको हमें ओवन में बेक कर लेना है। मैंने इसको 180 डिग्री टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दिया है। और अब हमें लेना है चॉकलेट, तो यहाँ पे मैंने मिल्क चॉकलेट लिया है और मैंने डार्क चॉकलेट भी लिया है। दोनों को मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। और अब इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है, और अब इसके अंदर 1/2 कप जितना दूध ऐड करके उसको मेल्ट कर लेना है। आप डबल बॉयलर या फिर अवन में मेल्ट कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे हमारा केक भी बेक होके रेडी हो चुका है, तो कितना मस्त बेक हुआ है, और ये हमारी चॉकलेट भी मेल्ट हो चुकी है। तो ये चॉकलेट को हम इसके ऊपर डाल देंगे, और ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर डस्ट किया है, तो देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो ये देखिए हमारा लिक्विडी चॉकलेटी केक एकदम रेडी है। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में मैंने ये केक बनाया है, लेकिन यकीन मानिए खाने में बहुत ही मस्त लग रहा था। अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो ये केक फटाफट से 10 मिनट में बन जाएगा, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, ड्राई नहीं लगेगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमने लिक्विड चॉकलेट का भी यूज किया है, तो बहुत ही मस्त लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, एंड हाँ कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये केक कैसा लगा। ओके बाय।